सर आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? जी बरो। और सर आप कौन सी मशीन के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं सिग्माटेक इंजन? जी अच्छा, तो अभी आपको हमारे यहाँ पे जो है मशीन का कैसे इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है, और कैसे डाई चेंज की जाती है, उसके बाद क्या क्या आपको सब ध्यान रखना है, सफाई क्या की जाती है, सारी चीज़ें वन बाय वन हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो हमारे पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे मान के चलो 5 किलो है या 10 किलो है, उसको मिक्स करके मिक्सी में कितना मॉइस्चर रखा जाए, तो अभी आपको रेसिपी सिखाएंगे। तो अभी आपको वन बाय वन उसको करना है। जहाँ भी आपको कुछ क्वेश्चन लगे आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मशीन को कैसे डाई चेंज की जाती है, हमारे जो इंजीनियर हैं वो इसको अभी कर रहे हैं, और हमारे साथ जो खंडवा से जो दूसरे जो सर आए हुए हैं वो भी इसको देख रहे हैं, और अब हर एक चीज़ को हम यहाँ पे इनको डिस्क्रिप्शन करके दिखाएंगे। दोस्तों पहले इस मशीन के अंदर जो मशीन का जो जहाँ से दाना निकलता है उसको खोलना होता है डाई चेंज करने के टाइम पे। कितने नंबर का पाना लगता है? इस 1-4 का पाना लगता है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो 4L 4 नंबर का पाना है, 4L का। अभी सारे नट बोल्ट तो हम खोल रहे हैं। दाना जहाँ से निकलता है इसकी जो इस तरह सारे दो नट इधर के खुल गए हैं, इसका नट यहाँ पे खोल गए हैं। इसमें जो सर ये ऊपर का है ना, इसको होपर बोलते हैं। हाँ, और ये इसकी जो है ना टंकी है, तो ऊपर क्या तो वहाँ पे रहता है। हाँ, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी डाई का जो किया होता है ना के साथ, तो थोड़ा लूज करना, वो जिसको लूज ना करे तो हम तो डाई नहीं। अच्छा, अभी आप डाई निकाल रहे हो। अगर ये डाई ये लूज नहीं भी करेंगे, अगर डाई को ऐसे भी करके रोलर लगा देंगे तो डाई भी घूमेगी, रोलर भी घूमेगी। इसमें थोड़ा ढीला करना इसको जरूरी है। इनका कहने का मतलब ऐसा है कि जो अंदर जो डाई ये लगी हुई है, यदि इसको बाहर निकालना है तो इसको नट को ढीला करके आपको तब निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगा ये। अभी यहाँ पे हम रोलर के नट खोल रहे हैं, और डाई चेंज इसको रोलर बोलते हैं। बहुत आसान तरीके से मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो आपको दिखा रहे हैं। खुद आजाद भाई वो खुद देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। कुछ
कुछ मटेरियल अंदर फंसा हो तो उसको चालू करके ऐसे निकाला जाता है। तो जब आपको डाई निकालना हो तो इस तरीके से आपको डाई निकालनी है, इस कोई और तरीके को आपको यूज नहीं करना है, बहुत आसान है। आप देख रहे हो यहाँ से डाई ऐसे ऊपर निकल रही है अभी। इस तरह हमने डाई निकाल दिया, हाँ ये 6 mm की डाई थी। अभी हम यहाँ पे जो है 3 mm की डाई अभी लगाएंगे, हाँ मछलियों के दाने बनाने के लिए जी। जो मशीन के अंदर जो भी अभी है उसके भी साफ सफाई हो रही है। जो कोई भी मशीन को नहीं ले रहा है उसको इस तरह साफ सफाई रोज आपको करनी होती है जब आप डाई चेंज करते हो। आप ये अभी हम क्या कर रहे हैं? ये अभी 3 mm में क्या होता है कि ये वाला जो पैलेट है उसकी साइज इतनी लंबी है, दिखाना जरा, इसकी लंबी है ठीक है, 3 mm में इतनी छोटी है, यानी कि 5 mm 4 mm ना करने के लिए इसको ये ब्लेड को ऊपर लाना है। कौन से ब्लेड को? अंदर इसमें ब्लेड होती है उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि दाना नीचे जैसा, अभी ये ब्लेड का दाना है इससे ऊपर डाई नहीं जानी चाहिए, राइट? ये थोड़ा नीचे रहना। ये अभी आपने या तो फिर आपको एक काम करना है, ज्यादा छोटी लेंथ करना है। इसको उल्टा रखो, डाई को या उल्टा जो कटर है कटर को उल्टा कर दीजिए आप। अच्छा आजाद भाई, अभी जो आपको सिखा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? बस बस दोस्तों, इस प्रोसेस को हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा दाना जो है उसकी लेंथ छोटी हो, इसलिए। दोस्तों इस तरह अभी पूरा सेटअप हो चुका है, उल्टा कर दिया गया है।
मशीन का लाइव इंस्टॉलेशन दिखाया जा रहा है आपको। अभी हम 3 mm की डाई लगा रहे हैं। दोस्तों इसको आपको साफ कर लेना है। अभी इसको हम क्या लगा रहे हैं सर? ये पिन है, पिन है चाबी, पिन की चाबी है, रोलर की चाबी, रोलर की चाबी है दोस्तों। ये अब ये रोलर इसके बैठे हैं। रोलर लगाया तो रोलर ऐसे भी घूमना चाहिए, जब ये घूमे ना कि घूमना ऐसे भी चाहिए और इस तरह भी घूमना चाहिए, दो तरह से घूमेगा एक ही साथ, तभी आपका बैलेंस बनेगा। ऐसा नहीं कि रोलर घूमता है, क्योंकि ये भी घूमना चाहिए। दोस्तों सर का कहना ऐसा है, ये जो रोलर है, ये रोलर कैसे गोल गोल ऐसे घुमाना है, ये तो घूमेगा ही, और इसके अलावा ये भी ऐसे तो घूमना चाहिए। लूज रह गया ना, चारों तरफ घूमेगा, घूमेगा। ये लूज रहेगा तो ये गोल गोल नहीं घूमेगा, इस तरह तो घूमेगा लेकिन इस तरह नहीं घूमेगा। इसको अच्छी तरह से टाइट कसना है। अभी घूम रहा है, दोस्तों एक बार जब आप फिटिंग कर रहे हो तब उसको एक बार चला के आपको देख लेना है कि हाँ आपका आपने रोलर आपने सही से फिट किया है कि नहीं, नहीं तो आप पूरा असेंबल कर दोगे, उसके बाद दोबारा आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। हर एक अभी दोस्तों अभी डाई पूरा फिट हो चुकी है। अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम होपर को फिट कर रहे हैं। मटेरियल डालने के लिए होपर का यूज होता है। दोस्तों मैं अभी आजाद भाई से पूछूंगा, सर सारे प्रोसेस देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, सिंपल है या जटिल? क्या आप इसको इस देखने के बाद आप खुद कर सकते हो? इसमें आई डालेगा कहाँ से डालता है? ये वाला जो पोर्शन ये खोल दो, यहाँ से आपको ऑयल डाला जाता है, यहाँ पर ऑयल डाला जाता है, इसको खोल दो, यहाँ से ऑयल खोलेंगे, पानी से खोलेगा, इसे हाथ से भी खुल जाएगा, प्लास से भी खुल जाएगा, और यहाँ ऑयल इंडिकेटर है, यहाँ से आपका ऑयल कितना है वो देख सकते हो, और उसमें जो ऑयल डाला जाता है वो गियर ऑयल डाला जाता है इसमें। ये गियर ऑयल क्या होता है जो अपन वो गाड़ी के अंदर जो गियर के अंदर जो डालते हैं ना ऑयल, वो ऑयल डालते हैं मोटरसाइकिल के जो साकअप होते हैं उसमें जो आएगा वो पतला वाला ऑयल होता है, उसमें
इसमें कितने लीटर डलता है सर? इसमें करीबन करीबन 2 से 3 लीटर। नहीं तो अपन लगभग क्या मान लें, 2 माने या 3? यहाँ से ऑयल हम डाल के ही देते हैं, अगर बाई चांस ट्रांसपोर्ट में ऑयल निकल गया तो आपको उसको ऐड करना। अभी डालना जरूरी है ये मशीन हमने अभी लिया और हमें दोबारा ऑयल कब डालना होगा? इसका ऑयल कभी भी खत्म नहीं होता है, लेकिन आप इसमें कह रहे हैं कि 5-6 महीने के बाद वो ऑयल चेंजिंग आपके लिए जलता नहीं है, लेकिन इसका जो चिपचिपापन कमजोर होगा वो आपको नया चेंज करना। प्लायर से खुल जाता है। चेंज करते समय अपने को इसको खोल के यहाँ कुछ रखना है, तगाड़ी पात्र या कुछ भी कटोरा देखो, ताकि वो आई इसमें निकल जाए। ये रहा ना, ये नट बोल्ट हो गए तो यहाँ से ऑयल निकल जाए। ये ऑयल देखने का है, ये वाला छोटी सी जगहों में से कैसे डालेंगे, कोई करनी से या कोई झाड़ी से डालेंगे? करनी से डालेंगे। या आपके पास वो ऑयल करने का होता है पंप, उससे भी डाल सकते हैं? यहाँ पर चेक करने में वो ऑयल डालना होता है, बाद में जो अंदर जो जब आपका मशीन बंद रहता है ठीक है, तो अंदर भी आप ऑयल वगैरह लगा के रखो तो जंग ना लगे। बाकी के बोल्ट इसमें नहीं लगाए? बोल्ट इधर लगा था। दोस्तों अभी सारे बोल्ट लग चुके हैं और अपना ऑलमोस्ट फिटिंग हो चुका है। अब हम पाउडर का मिक्सअप करेंगे, उसके बाद मशीन चलाएंगे। आप वीडियो देखते रहिए। और आज हाँ 3 mm के अंदर आपको पतला मटेरियल यूज करना है, क्योंकि वो डाई पतली होती है, उसका होल जो है ना छोटा होता है, इसलिए। ये अभी ये 3 फेज की है, सिंगल एचपी की मोटर, वो भी आपको इसमें लगा के मिल जाएगी। मोटर ये एलजी तो बाकी सब सिस्टम की है। हाँ, सिर्फ मोटर चेंज हो जाएगी। अभी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, क्योंकि इसके अंदर बारीक आटा है। अभी आपने कितने एमएम की डाई यूज की है? अभी हम गेहूं पीसने जा रहे हैं। अभी जी सर, आपके पास आटा चक्की भी है सर? हाँ। अभी हम गेहूं पीसने जा रहे हैं।
जो कैटल फिट मशीन में दाना बनाने के लिए यूज होता है। जो पहले हमें इन्हें ट्रेनिंग दिखाया था, अभी खुद अभी क्या कर रहे हैं आप? आज पूरा ट्रेनिंग चल रहा है इनका। अभी जो हमारे कस्टमर है खुद अभी मशीन की डाई का खुद इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। अभी वो पहले हमने उनको दिखाया था, वो खुद कर रहे हैं। दोस्तों ये इंस्टॉलेशन दोबारा कर रहे हैं, अभी जो हमारी पैलेट्स है वो सही बन नहीं रही है, टूट जा रही है, तो हमें थोड़ा डाई का सेटिंग करना है। आपको लगे कि हाँ आपकी पैलेट्स नहीं बन रही, तो उसको आपको दोबारा आपको डाई को सेटिंग करना पड़े, जिस तरह अभी इसमें टूट जा रहा है। आप इसकी डाई की सेटिंग करके ये फ्रेश खाना बनेगा। अभी हम इसका मिक्स रॉ मटेरियल का मिक्सिंग करने जा रहे हैं, जो 3 mm की डाई के अंदर इतना हमें बारीक पाउडर का यूज करना होता है। ये अभी अभी आप क्या कर रहे हो इसके अंदर है? ये पामोलिन ऑयल है, क्या कर रहे हो उसका आप? ऑयल खा खाने का तेल है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोस आप देख सकें। और अगर किसी प्रकार का कोई दूसरा क्वेरी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प कर सके और साथ ही साथ में आपको गाइडलाइन दे सके। और अगर आप ये मशीन बाय करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर देखते हैं कुछ नई मशीन के बारे में।